अज की विशेष बेनती मैं खास करके अपने सिख नौजवानों को करनी चाहुंदा, चाहे वह पंजाब वसदे, चाहे हरियाणा विच, ते चाहे किसी होर थावां दे उपर वसदे आ, उन्हां नूं मैं बेनती करनी चाहुंदा वा कि वह उच्च विद्या हासिल करन, माँ बाप परिवारां दी सेवा करन, देश कौम धर्म की सेवा करन और नितनेम दे नाल जुड़न, गुरबाणी नाल जुड़न, किसी तरह की भड़काट जां बहकावे जा के गलत कार्रवाइयां नूं अंजाम ना देण, के मुड़ के मुकदमे दर्ज होण ते फिर जेलां च बैठ के ते अपने खराब होंदे भविख ते चिंतित होण, बाद विच अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चोगी खेत, फिर पछताया किसी हाथ नहीं आउंदा। सो इस करके मैं एक बेनती उन्हां नूं आगूआं नूं भी करनी चाहुंदा जिहड़े अपने आप नूं आगू कहाउंदे लोग आ, पर वह भड़काट दे विच लिया के नौजवानां नूं तुसीं सथ च झंडा चला दिओ, तुसीं सरकारी थां ते झंडा चला दिओ, पंचायत घर ते झंडा चला दिओ, तुहानूं इन्ने डालर जिहड़े आ उह दित्ते जाणगे। पर बहुत सारे परिवार मैनूं हुशियारपुर तों, तरन तारण तों, साढ़े सिरसा तों मिले आ, जिहड़े परिवार नौजवान जिहड़े सी इहो जिहियां बयानबाजियां सोशल मीडिया ते सुण के उहनां ने इहो जिहियां कार्रवाइयां नूं अंजाम दित्ता ते अज उहनां दी किसे ने जमानत भी नहीं कराई। उहनां नूं इनाम तां की देणा सी जिहड़ा उह कहिंदे अहीं इनाम देवांगे, किसी की मुलाकात भी नहीं किसी ने की। उन्होंने परिवार जोड़े रुल रहे हैं, बहुत सारे परिवार मेरे संपर्क च, मेरे को आए भी हूँ तो भी संपर्क किया कि साढ़े बच्चों का भविख खराब हो गया। तो मैं बच्चों नौजवानों को बेनती करनी चाहना और ही मैं उन्होंने भी बेनती करनी चाहना जोड़े योजी भड़काट में लिया के नौजवानों का भविख खराब कर रहे हैं, जेडे साढ़े तैयार बर तैयार गुरसिख दमाले सजाते, दस्तारा सजाते, अमृतधारी आ, नितनेमी आ, उन्हां नूं असीं इहो जिहियां गल्लां विच पा के ते जेलां दा खाजा बनाता, मुकदमियां दा खाजा बनाता, ते जिहड़े पतत सी गुरमत तों दूर सीगे, बाणी तों दूर, उन्हां दा वीजा लग जांदा, उह तां देश विदेश किते मर्जी चले जाण, ते जिहड़े तैयार बर तैयार गुरसिख आ उन्हां ते मुकदमे पै जांदे आ ते उह जेलां 'च चले जांदे आ। उन्हां लोकां नूं वी गरेज करना चाहीदा इहो जी भड़काऊ बयानबाजी करके, स्टेटमेंटां दे के कि तुसीं आह काम करदे हो, तुहानूं आह कर देंगे, ते मुड़ के किसे दी जमानत नहीं कराउंदे, उन्हां लोकां नूं वी गरेज करना चाहीदा। ते खास करके मैं तख्तां दे जथेदारां नूं, सिख जथेबंदियां दे आगूआं नूं अपील करनी चाहुंदा कि वह नौजवानों नूं बचाउण वास्ते स्टेटमेंटां भी जारी करन, जतन भी करन, तां कि साडे नौजवानों का भविख उजला हो सके, वह इहो जिहियां कारवाइयां दे विच फस के मुड़ के अपनी सारी जवानी जिहड़ी जेलां च ना गालण। अज जिहड़ियां घटनावां इस तरह दियां वापर रहियां बड़ियां चिंताजनक आ, चाहे वह पंजाब च आ, चाहे हरियाणे विच आ, नौजवानों भी गरेज करना चाहिए, यहो जे लोगों की भड़काट दियां गल्लां च नहीं आना चाहिए, तो जिहड़े यहो जी भड़काट पैदा करते, यहो जी बयानबाजियां करते, उन्हां लोगों तो भी सानू जिहड़ा हैगा वह सचेत रहना चाहिए, तो उन्हां लोगों नू यहो जे कम्मां तो गरेज करना चाहिए। तो खास करके मैं तख्तां दे जथेदारां नू, सिख जथेबंदियां दे आगूआं नू अपील करनी चाहुंदा कि वह नौजवानों नू बचाउण वास्ते स्टेटमेंटां भी जारी करन, जतन भी करन, तां कि साडे नौजवानों का भविख उजला हो सके, वह इहो जिहियां कारवाइयां दे विच फस के मुड़ के अपनी सारी जवानी जिहड़ी जेलां च ना गालण। अज जिहड़ियां घटनावां इस तरह दियां वापर रहियां बड़ियां चिंताजनक आ, चाहे वह पंजाब च आ, चाहे हरियाणे विच आ, नौजवानों नूं भी गरेज करना चाहीदा, इहो जिहे लोकां दी भड़काट दियां गल्लां च नहीं आना चाहीदा, ते जिहड़े इहो जिही भड़काट पैदा करदे, इहो जिहियां बयानबाजियां करदे आ, उहनां लोकां तों भी सानूं जिहड़ा हैगा उह सचेत रहना चाहीदा, ते उहनां लोकां नूं इहो जिहे कम्मां तों गरेज करना चाहीदा। आप तां उह सुखां दी जिंदगी जी रहे आ देश विदेश विच बैठे, ते नौजवानां नूं जेलां च छड़न लई मजबूर कर दिंदे आ, मुड़ के कोई जमानत नहीं कराउंदा, मुड़ के कोई उहनां दी मुलाकात नहीं करदा। सो इस करके उहनां नूं वी इस गल तों गुरेज करना चाहीदा, साढ़े सिख नौजवानों का भविख जिहड़ा उह तबाह ना किया जाए, ते नौजवानों नूं देखना चाहीदा कि असीं एडे योधे, कौम दी, धर्म दी, देश दी सेवा करन वाले, इन्नियां कुरबानियां असीं कीतियां, तो हुण वी असीं कुरबानियां दे राह ते तुरन वाले, क्यों किसी दीआं गल्लां दा शिकार हो के, जिहड़ियां गल्लां दा अर्थ ही कोई नहीं आ, जिहड़ियां गल्लां जिहड़ियां सानूं गलत राह दे उत्ते पा दिंदियां ने, कि मुड़ के मुकदमियां दा शिकार बन के ते जेलां च सड़ना पैंदा। सो इस करके नौजवानों नूं भी सचेत होना चाहीदा, ते ऐसे लोगों नूं भी मैं अपील भी करदा कि वह लोग इन्हां गल्लां तों गुरेज करन, नौजवानों नूं जेलां च सड़न वास्ते मजबूर ना करन।